आज हम देख रहे हैं लीचियों के पेड़ को, लीचियों के कितने प्यारे प्यारे गुच्छे जो हैं लटके हुए हैं। लीचियों का सीजन गर्मियों में आता है, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गर्मी में खट्टी मीठी लीची खाने का अपना ही बहुत ही मजा है। ये देखिए नीचे जमीन तक लटके हुए हैं गुच्छे, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी बीच में कुछ कुछ कच्ची हैं, जब पक जाती हैं तो इनका कलर जो है रेड होने लगता है। बनाते बहुत ही अच्छी लग रही है। लीचियों के बाग में इतना ही मजा आ रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं यहाँ पर लीचियों के ये बूटे जो हैं, इतने लंबे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है, खट्टी मीठी इस सीजन में लीची बहुत अच्छी लगती है। ठंडी करके खाएं और खूब इंजॉय करें। देखिए यहाँ पर कितनी शांति लग रही है, मन को कितना सुकून लग रहा है। अंगूठा आ रहा, अंगूठा भरे पड़े हैं पेड़, बहुत ही सुंदर। वो जो ऊपर ऊपर है ना लीची, वो सब रेड हो चुकी है। जितना ऊपर नजर घुमाते हैं वो सब रेड हो चुकी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर कितनी शांति सी लग रही है, बहुत शांत पूर्वक वातावरण है। और ऊपर से ये सुंदर सुंदर लीचियों के पेड़, बहुत ही कुदरत का जैसे करिश्मा है। बहुत खूबसूरत लीची है, ये देखिए रेड हो चुकी है। कुछ लीचियां जो है पक चुकी हैं, जो रेड हो गई हैं। जो कच्ची हैं वो अभी ग्रीन ग्रीन है, ऊपर भी ग्रीन है, जो बीच में रेड हो चुकी है। ये बहुत ही ये देखिए ये रेड लीची है, दिल करता है अभी तोड़कर खा जाओ। ये ठंडी करके खाने का इनका अपना ही मजा है। आप कभी कभी यहाँ जाने का आने का मौका मिले तो जरूर देखना ये लीचियों के पेड़। ये पठानकोट वाली साइड पर है ये बाग बने हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं लीचियों के जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज हमने लीचियों के पेड़ों को देखा तो आपका भी मन करता होगा ऐसी लीचियां तोड़कर खाने में, और ही मजा है। चलिए शुक्रिया फ्रेंड्स।
लीचियों के गुच्छे जो हैं वो नीचे जमीन तक आए जा रहे हैं, और कितनी रस भरी है, ये पूरी पकी हुई है। लेकिन कई बार हमें बाजार से मिलती है ना, उन्होंने बिल्कुल मेरून कलर ऊपर किया होता है, ये ध्यान रखना, जब भी लीची खाना तो चेक कर लेना कहीं कुछ कलर ना किया हो।